लोभ क्या होता है? केवल पैसे का ही लोभ नहीं होता है, मेरा संसार में यश हो यह भी लोभ है, मुझे संसार के लोग जाने ये भी लोभ है, मेरा सुयश हो यह भी लोभ है। तो वाल्मीकि जी के मन में क्या लोभ था कि मेरी रामायण संसार के लोग जाने, और काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार और मद ये छह भाई हैं, यदि एक भी आ जाता है तो दरवाजा खोल देता है, पांच को और बुला लेता है। हमने काम जीत लिया, क्रोध नहीं जीता, तो ये अर्थ नहीं है कि काम दोबारा नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। हमने काम क्रोध को जीत लिया और लोभ नहीं जीता तो काम क्रोध दोबारा आ जाएंगे। अगर इन छह में से एक भी रह गया तो वो दरवाजा खोल देता है, पांच फिर आ जाती है। तो वाल्मीकि जी के मन में लोभ आया कि मेरी रामायण संसार में प्रचलित हो। लोभ के आने के साथ ईर्ष्या आ गई कि हनुमान जी की रामायण प्रचलित हुई तो मेरी रामायण को कोई भी नहीं पढ़ेगा, और ईर्ष्या आने के साथ ही पाप शुरू हो जाता है। आज आप सब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी से काम चल रहा है, उस सुख को नहीं जानते। पड़ोसी के पास तीन है, हम कब तीन गाड़ी वाले बनेंगे? इसी ईर्ष्या में जब तीन हो गई तो फिर सामने तेरह वाला दिखता है, बोले उसके पास तो तेरह है, हम तेरह गाड़ी वाले कब बनेंगे? और जब तेरह गाड़ी हो गई तो फैक्ट्री वाला दिखता है कि उस पे तो गाड़ियों की फैक्ट्री है, हम कब बनेंगे? सबसे बड़े पाप की जड़ है मोह और ईर्ष्या। आप भूखे रह लेंगे, लेकिन आप पाप कब करते हैं? बोले हमारा बच्चा रोएगा तब क्या करेंगे, चोरी कर लो कोई पाप नहीं। आप बिना कपड़े के रह लेंगे, लेकिन धर्म पत्नी के लिए गहना इकट्ठा करने को पाप करेंगे। पाप की जड़ है ईर्ष्या और मोह। ईर्ष्या में हम पाप करते हैं। एक ब्राह्मण गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी। एक संत ने कहा, ब्राह्मण देवता हम एक शंख देते हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा, पर शर्त है कि तुमको एक मिलेगा, पड़ोसी को दो मिलेंगे। ब्राह्मण बोला कोई बात नहीं, भूख से मरने से तो अच्छा है। शंख ले गया, घर में ले जाकर के धर्म पत्नी से बोला, भगवान देखो कैसी दिव्य वस्तु हमको संत ने दी है। बोले क्या दी है? बोले इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बोले ठीक है, तो अपनी झोपड़ी को मकान बना के दिखाओ। ब्राह्मण ने संत का शंख का पूजन किया और कहा, हे शंख देवता, हमारी झोपड़ी मकान बन जाए। मकान बन गया, पर पड़ोसिन के दो मकान बन गए। पत्नी बोली, ये क्या बात है महाराज, हमको एक मिला और पड़ोसी को दो? बोले हाँ, इसका तो यही फल है। तो बोले आप पर मांगना नहीं आता है, हम मांगेंगे। बोले ठीक है, मांग लो। बोले हे शंख देवता, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआ बन जाए बिना पारचे का। क्या बने? कुआ, पहले चलता था, अब तो बोरिंग हो गई, पर एक बने। क्यों मांगा? बोले पड़ोसिन के दरवाजे पर दो बनेंगे। फिर मांगा, हे शंख देवता, हमारा एक करंट बंद हो जाए। पड़ोसिन की दोनों बंद होंगी तभी तो कुएं में गिरेगी। तो हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं,
हम दूसरों के सुख से दुखी हैं, दूसरा हमारी तृष्णा हमको दुखी करती है। एक हुए तो दस होते, दस हुए तो सौ की इच्छा है, सौ होने पर भी यही रहा, यदि हजार हो तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता, कैसी डाहिनी ये तृष्णा है। राजा भोज के दरबार में इस कलयुग में एक कवि आया, उस कवि ने कविता में राजा भोज को राम जी जैसा राजा बतला दिया। उसी समय एक कौआ उड़ते हुए आया और उस कवि के मुंह में भिष्टा कर दी। भोज ने कहा, इस काग की दुष्टता देखो कि भरे दरबार में इसने राष्ट्र कवि के मुंह में भिष्टा की है, ऐसे पकड़ो। जाल डाल करके उस काग को पकड़ लिया, पिजड़े में बंद कर दिया। बोले, कल इसका निर्णय राज दरबार में होगा कि इसे क्या दंड दिया जाए। दूसरे दिन जब राज दरबार में उस कौआ को लाया गया, बोले इसे क्या दंड देना है। कौआ बोला, दंड क्यों, मैंने क्या पाप किया है। बोले, तुमने राष्ट्र कवि के मुंह में भिष्टा डाली। बोले, शास्त्र क्या कहते हैं, जो कवि झूठी प्रशंसा करे, किसी की चापलूसी से प्रशंसा करे, उस कवि के मुंह में भिष्टा डाल दो। तो बोले, राष्ट्र कवि ने क्या झूठा कहा। बोले, तू राम जी जैसा राजा है राजा भोज, इसने तुझे राम जी जैसा राजा बताया। बोले, मेरे राज्य में और राम जी के राज्य में क्या अंतर है। बोले, यहां नहीं पता लगेगा, अयोध्या चल और चार अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ लेके चलना। राजा भोज ने चार मंत्री लिए, सेना ली, उस कौए का पिजड़ा लिया और अयोध्या गया। बोले, ये तो आज की अयोध्या है, नीचे खुदाई कर। एक योजन खोदा गया तो नीचे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बाजार चौक थे। उसमें एक चौक पर बड़े सुंदर पत्थरों से बने हुए कमल पर एक हीरे जवाहरात के थाल में मणियों के फूल रखे थे, बहुमूल्य मणियों के। काग बोला, राजा अपने मंत्रियों से कह के इस थाल को सुरक्षा पूर्वक तेरे राज्य तक लेके चले। राजा भोज ने मंत्रियों से कहा, इसे लेके चलो। वो थाल राजा भोज के दरबार में रखा। बोले, अब बतला राम जी के राज्य में और मेरे राज्य में क्या अंतर है। बोले, सुन, राम जी के राज्य में एक नगर सेठ था, उसके यहां कोई संतान नहीं थी। पंडितों ने उससे कहा कि जिस दिन राजा धीराज श्री राम जी और माता किशोरी जी तेरे भवन में आ जाएंगे, उनके चरण के रखने के साथ तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तेरे संतान हो जाएगी। वो नगर सेठ गया, भगवान राम जी से प्रार्थना की, महाराज एक दिन हमारी झोपड़ी को भी पवित्र करिए। राम जी ने स्वीकार किया। किशोरी जी और श्री रघुनाथ जी गए, नगर सेठ ने बड़ी पूजा की, चरण पखारे, षोडशोपचार पूजन किया, भगवान वापस आए, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो राजा भोज यही थाल हीरे जवाहरात का मणियों के फूलों से भर के वो नगर सेठ राम जी को भेंट देने के लिए आया कि महाराज ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। राम जी ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, बोले, देखो हमारे राजकोष में इसे रखने को जगह है या नहीं। कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज कुछ भी जगह नहीं है, क्योंकि राम जी के राज्य की विशेषता थी कि समुद्र स्वयं मणि लाला करके तट पर डालते थे और लोग बीनते थे, पर्वतों में अनेकों मणियों की खान प्रकट हो गई थी। तो कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज हमारे यहां जगह नहीं है। तो राम जी ने उस नगर सेठ से कहा कि सेठ जी, ये मणियों के फूल अयोध्या के गरीबों को बांट दो।
जब वो नगर सेठ उन हीरे जवाहरात से जड़े मणि के फूलों को लेकर जिस गरीब के पास गए, बोले ये भाई ले लो। वो अपनी धर्म पत्नी से पूछता था, भगवान आज के लिए घर में सब कुछ है ना? पत्नी कहती थी हाँ सब कुछ है। तो वो कहता था, सेठ जी हमें नहीं चाहिए। क्यों, कल काम आएंगे? बोले कल की चिंता नहीं है, हमारे राजा राम जी हैं। अयोध्या के किसी गरीब ने एक फूल भी स्वीकार नहीं किया। बोले राम जी राजा हैं, हमें कल की चिंता नहीं। वो सेठ वापस राम जी के पास गया, बोले महाराज किसी गरीब ने नहीं लिया। बोले हो सकता है लज्जा के कारण नहीं लिया हो सेठ जी, इसे अयोध्या के चौराहे पर रख दो, जिसे जरूरत होगी ले जाएगा। राजा भोज त्रेता से आज कलयुग आ गया, किसी ने भी इसमें से एक फूल नहीं हटाया। पर अब तेरे राज्य की व्यवस्था देख कि ये जो तेरे चार मंत्री इस थाल को लेकर के आए थे, इनकी तलाशी ले। जब उनकी तलाशी ली तो चारों ने एक एक फूल चुरा के रख लिया था, क्योंकि भविष्य की चिंता लग गई थी। सबसे बड़ा दरिद्र वो नहीं है जो कटोरा लेके सड़क पर भीख मांग रहा है, सबसे बड़ा दरिद्री वो है कि आज के लिए सब कुछ होने के बाद भी कल की चिंता में रोता रहता है। एक सेठ जी ने मुनीम से पूछा, मुनीम जी हमारे पास कितना धन है, हमारी कितनी पीढ़ी सुख से गुजारा कर सकती है? मुनीम बोला दो चार दिन का समय दीजिए। चार दिन बाद आया, बोले बाबूजी आपकी 21 पीढ़ी बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू आ गए। बोले 22वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये तो केवल 21 पीढ़ी तक है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सबसे बड़ा दरिद्री है जो यश की चाह में, कल की चाह में सदैव चिंता में डूबा रहता है। अरे ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, 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 ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केशु जन्म के साथी, पाके केशु जन्म के साथी, राज गई लोकन ते हां, राज गई लोकन ते ममता तू न गई मेरे मन से। टूटे दसन वचन नहीं निकसत, टूटे दसन वचन नहीं निकसत, जो पी गई नैनन से हाँ, मेरे मन से ओ ममता तू न गई मेरे मन से। कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ पित बात
उठ पर बैठे कप पीत बात कैटी पर बैठे सुतन बुलावत करते हो सुतन बुलावत करते ममता गई मेरे बड़े से ममता तू न गई मेरे बड़े से ममता तू न गई मेरे हमने बचपन में सोचा कि जवानी में संसार त्याग के भजन करेंगे कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापे की पहचान ये बाल पक गए बोले अब भगवान कहेंगे बुढ़ापा आ गया इसलिए इनको पोत लो पलस्तर लगा लो। तो दांत टूट गए बोले पहले दांत टेढ़े सूदे थे अब तो 3200 बढ़िया प्लास्टिक के सीप के एक से लगा लो एकदम सीधा मुंह हो जाएगा। फिर भगवान ने आंख की ज्योति हटाई बोले अब तो विदेश से 2500000 रुपए में नकली आंख नई आ जाती है। अच्छा एक बात सुनो हम और आप कितने बुद्धिमान हैं जो परमात्मा असली आंख देता है उसका नाम लेने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है और जो डॉक्टर 2500000-2500000 रुपए लेके नकली आंख लगा के कहता है ध्यान रखना केयर करना उसे 100 बार तो थैंक यू और फिर उन नकली आंखों का इतना संभाल करते हैं कि इन्फेक्शन न हो जाए धूल न चली जाए। अरे पहले ही असली डॉक्टर को थैंक यू कह लेते तो नकली की जरूरत ही क्यों आती। असली हार्ड है तब तक तो उल्टा सीधा चल रहा है वो तो हमको फ्री में मिला है और जब उसने नकली लगा दिया गर्म पानी पीना कोई चिकनाई मत खाना। अगर पूरी शरीर की कीमत लगाओ आज के डॉक्टर के हिसाब से 2000000 की आंख 5000000 की किडनी 6000000 का लीवर हार्ड कितने की हुई आपका शरीर और उसके बाद भी उस डॉक्टर का कहा मानोगे 1000 बार उसे धन्यवाद दोगे और ये जो 2 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी ईश्वर ने फ्री में दी उसका 2 बार नाम लेने को महाराज जी समय नहीं है। तो बताओ ये ममता हमारी कहां ले जाएगी। वाल्मीकि जी के मन में भी यही ईर्ष्या आई कलयुग जैसे लोगों की कि मेरी रामायण प्रचारित नहीं होगी हनुमान जी की लिखी रामायण सब पढ़ेंगे। तो हनुमान जी से कहा आपकी रामायण में कोई कमी नहीं है लेकिन अब हमने इसका विमोचन किया शुद्धिकरण किया तो इसकी दक्षिणा दो। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। बोले ये सारी रामायण को समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने एक बार भी मना नहीं किया गुरु आज्ञा गरियसी गुरु का पाप गुरु का फल वो भोगेगा हमें तो गुरु ने आज्ञा दी। हनुमान जी ने सारे शिलाखंड समुद्र में डाल दिए। जैसे ही शिलाखंड समुद्र में डाले भगवान राम जी प्रकट हो गए बोले हनुमान जी आपकी भक्ति के लिए धन्य है आपने संत का मान रखा परंतु महर्षि वाल्मीकि ने कलयुग के जीवों जैसा काम किया। ये ईर्ष्या कलयुग में होगी कि मेरा काम चले दूसरे का नहीं चले। बोले वाल्मीकि जाओ कलयुग में मनुष्य बनो। वाल्मीकि जी घबरा गए भगवान की शरण में पड़े। हनुमान जी ने भी कहा महाराज हमारे लिए इतना बड़ा श्राप एक बड़े ऋषि को न दें। बोले श्राप तो अब सत्य होगा परंतु इनके मन में था कि मेरी रामायण संसार में प्रचलित हो। तो वाल्मीकि कलयुग में तुम तुलसीदास के रूप में जन्म लोगे और हनुमान जी की सहायता से जो रामचरित्र लिखोगे वही कलयुग के जीवों का कल्याण करने में
सर्वश्रेष्ठ साधन होगा। और आज इसीलिए 100 करोड़ रामायण इस रामचरित्र के पहले लिखी जा चुकी है। हम नहीं कहते हैं, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा था। रामचरित सतकोट अपारा, रामचरित सत कोटि अपारा, रामचरित सत कोटि अपारा, रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति शारदान वर्ण पारा, श्रुति शारदान वर्ण पारा, श्रुति शारदा परदे पारा। 100 करोड़ रामायण इस रामचरित्र के पहले लिखी जा चुकी है। और कितनी रामायण, राधेश्याम, गिरधर, चंपू रामायण, रंगनाथ रामायण, हजारों रामायण इस रामचरित्र के बाद में लिखी जा चुकी है। परंतु ये रामचरित्र विशेष क्यों है कि इसमें हनुमान जी ने सहायता दी तुलसीदास की। और प्रारंभ से जो अपनी पत्नी के वियोग में इतना बावला था कि शव को नौका मान के यमुना पार कर ली, बाबा तुलसीदास जी का जीवन रामचरित्र में उन्होंने लिखा है अपना अनुभव। आप सब क्या कहते हैं कि यदि हम काम धंधा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार का पालन कौन करेगा। लेकिन जब आप मां की गोद में थे, हाथ पैर चल नहीं सकते थे, उस समय किसने पालन किया? आपका उत्तर होगा जुगल जी कि हमारी मां ने दूध पिला के पालन किया था। तो मां तो आज भी है, दूध पिला सकती है? बोलिए क्यों। तो दूध पिलाने वाली मां है या कोई और है? इसलिए हम केवल अभिमान करते हैं कि हम करने वाले हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माण सर्वशः अहंकार विमूह आत्मा करता हमित मन्यते। करने वाली प्रकृति परमात्मा की आज्ञा से करती है। हम केवल अभिमान करते हैं कि हम करने वाले हैं। आपने फैक्ट्री लगाई, 10 करोड़ का फायदा हुआ तो अपनी मूंछ ऊंची कर ली, हमने कमाया जी, और जब घाटा हुआ तब ऊपर वाला बड़ा निर्दयी है। तो जब आप करने वाले तो घाटा हुआ क्यों? इसलिए न आप लाभ करने वाले हैं न आप हानि करने वाले हैं। एक पौधा अपनी कोठी में लगाते हो, खाद भी देते हो, पानी भी देते हो, कितना बड़ा होता है? 2 फिट 4 फिट। परंतु जंगल में जो पहाड़ों पर 250-500 फिट के पौधे हैं, उनमें कौन खाद लगाता है, उनमें कौन पानी देता है? व्यास भरोसे जे रहे पर्वत पर फहराए। और ये तुलसीदास जी के जीवन का अनुभव कि जिस दिन जन्म हुआ, जन्म देने के साथ मां चली गई। जैसे ही पिताजी को पता लगा, पुत्र का मुख देखने के पहले रास्ते में ही पिताजी चले गए। और जिस चुनिया दादी ने पालन किया, 2 बरस के बालक को छोड़ के वो भी चली गई। अब कौन रह गया? अब तो नहीं कह सकते हो कि हमारा पालन हमारी मां ने किया, हमारे पिता ने किया, हमारे भाई ने किया।
कोई नहीं रहा। जाकर के शिवलिंग से लिपट करके रोने लगे कि मेरा कोई नहीं।